सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए। किसानों के लिए बहुत लाभकारी ऐसी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का भी निर्णय हुआ। इनलैंड वाटरवेज का भी एक निर्णय हुआ, जिसकी जानकारी मांडविया जी देंगे। एक बहुत दूर दृष्टि का, भारत को नए युग में ले जाने वाला एक फैसला आज के मीटिंग में हुआ, वो डीप ओशन मिशन। गहरे समुद्र के तले एक अलग दुनिया है। आपको पता है पृथ्वी का 70% समुंदर ही है, तो उस समुंदर में एक अपनी दुनिया है, तो उसका बहुत ज्यादा अध्ययन भी नहीं हुआ था। तो भारत ने आज तय किया है कि आने वाले 5 सालों में ये डीप ओशन मिशन, इससे जिस ब्लू इकोनॉमी की हमने कल्पना की है, मत्स्य व्यवसाय से लेकर समुद्र की सारी शक्तियों का विकास के लिए दोहन करना, ये करने का काम होगा। इसके 5-6 विशेष बिंदु है, उतने केवल मैं बताऊंगा। इसमें एक विशेष प्रकार का सूट होता है, मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है। 6000 मीटर नीचे जाकर पानी में, वहां मिनरल्स है, उसकी स्टडी अभी तक नहीं हुई। भारत का 7000 किलोमीटर का किनारा है, 9 राज्यों से जुड़ा है, लेकिन हम डीप ओशन मिशन कभी किया नहीं। इसलिए ये काम पहला होगा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन में हमेशा चर्चा होती है सी लेवल राइज की, ग्लेशियर टूटने की, टेम्परेचर में कम ज्यादा होने की। तो सचमुच में डीप सी में जाकर क्या परिणाम हो रहे हैं, इसका अध्ययन करने का भी एक काम इस मिशन में होगा। जैसे मैंने कहा, वहां एक अलग जीव सृष्टि है। आपको अगर बहुत दूर नहीं जाना है तो लक्षद्वीप जाके भी, या गुजरात के पास भी जहां कोरल है, तो कोरल की दुनिया को देखेंगे तो एक अलग दुनिया समुद्र के नीचे, समुद्र के तल में है, यह हमें समझता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का भी अध्ययन करेगी। गहरे समुद्र का आज तक एक तरह से सर्वे मिनरल के दृष्टि से नहीं हुआ। वो जो पहले मैंने बताया, वो टेक्नोलॉजी मिशन एक तरह से है। ये जो है सर्वे होगा कि किस एरिया में है। वहां एक एडवांस मरीन स्टेशन भी स्थापित होगा, जिससे ओशन बायोलॉजी का अध्ययन होगा, जो उद्योगों के लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। एक ऑफशोर ओशन सेंटर भी होगा, जो थर्मल एनर्जी को ढूंढेगा। जमीन पर थर्मल एजेंसी देखी है, आइसलैंड में तो बहुत सारी है, अपनी यहां भी कुछ जगह है, लेकिन समुद्र में ये
काम अभी तक नहीं हुआ था वो भी होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, दुनिया के केवल 5 देशों में ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो खुले तौर पर बाजार में नहीं मिलती, तो इसलिए ये खुद को ही डेवलप करना भी पड़ता है। तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी एक आविष्कार है। एमएसएमई और स्टार्टअप को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और इसलिए ये मिशन भारत को नए युग में ले जाने वाला, शोध के दुनिया में। ऐसा है फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड डीप ओशन मिशन। दिस विल सपोर्ट ब्लू इकोनॉमी। The main features of that are mineral study 6,000 meters deep in sea. The changes, if any, to be noticed because of climate change. To study more deep sea biodiversity. There will be deep sea ocean survey. There will be advanced marine station for ocean biology. And there will also be offshore ocean thermal energy part of mission. So this all will help new emerging sectors in startups, because this technology is not available in market. It's with limited 5 countries, US, Russia, France, Japan, China. India will be now 6th country to have it. And so there is good opportunity for our own small industries and research. And more importantly, this is also our travel in the vision of Atmanirbhar Bharat.